सभी का स्वागत है दोस्तों। चैनल पे पहली बार आए, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो 4 से 24 महीने का सरकारी मॉरिटोरियम किस तरह से आपको मिल सकता है और ऐसी कौन सी NBFC कंपनीज़ हैं या भारत स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार की कंपनी हैं जो आपको 4 महीने से लेकर 24 महीने का मॉरिटोरियम आपको दे सकती है और देती है। जी हाँ दोस्तों, पूरे YouTube Google के इतिहास में, पूरे YouTube के हिस्ट्री में आपको ये जानकारी कोई भी नहीं दिया होगा, कोई भी नहीं बताया होगा। यदि कोई भी बताया होगा तो मुझे बता देना, हमारे तरफ से उसको जो भी होगा गिफ्ट, हम आपको उसको गिफ्ट दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेना। इसके लिए हमें बहुत रिसर्च करना पड़ा, बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ा, बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करनी पड़ी। ठीक है, बहुत मेहनत लगी है इसमें। तो अब देखो, अब जो हम आपको बताएंगे वो बिल्कुल प्रूफ के साथ बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों, आपने हमारे वीडियो के थंबनेल में क्या देखा, आपने ये देखा 4 महीने का सरकारी EMI मॉरिटोरियम। ठीक है, DFC Delhi SFC। सबसे पहले देख लो 4 से 24 महीने का, हम इस वाले पॉइंट को क्लियर कर देते हैं। 4 से 24 महीने का दोस्तों, उसका स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी है, भारत राज्य सरकार की कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, जो आपको 4 महीने से लेकर 24 महीने तक का मॉरिटोरियम दे रहा है, ये देख लो, ये हम नहीं कह रहे हैं दोस्तों, ये गूगल है और ये जिस पे आप सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए, दिल्ली, जिसका नाम है दिल्ली फाइनेंस कॉरपोरेशन, दिल्ली फाइनेंस फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। ठीक है, दिल्ली फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, समझ में आ गई बात। और ये दिल्ली फाइनेंशियल कॉरपोरेशन दिल्ली सरकार, ठीक है, जो NCT है, गवर्नमेंट ऑफ NCT है ना, नेशनल कैपिटल टेरिटोरी। ठीक है, फॉर NCT ऑफ दिल्ली UT। ठीक है, अब ये देखिए, दिल्ली फाइनेंशियल कॉरपोरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1967। ये देख रहे हो, हम आपको एक बार रिफ्रेश भी कर देते, ये देखो रिफ्रेश हो रही है। अब ये देखो, यानी दिल्ली फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ये एक सरकारी स्टेट फाइनेंस कंपनी है, समझ में आ गई। और ये कंपनी क्या करती है, सिर्फ दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, और ये दिल्ली सरकार के अंडर काम करती हैं ये। तो अब देखो, ये जो DFC है, दिल्ली फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ये दिल्ली सरकार के अंडर काम करती है और ये आपको 4 महीने से लेकर 24 महीने तक का मॉरिटोरियम दे रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये यही चीज़ है, यही चीज़, इसको भी हम रिफ्रेश कर दें दोस्तों, रिफ्रेश हो रही है। अब ये देखो, रीपेमेंट यहाँ पर दिख रहा है आपको, दिल्ली फाइनेंशियल कॉरपोरेशन दिख गया ना आपको। अब ये देखो, दिल्ली सरकार की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, delhi.gov.in, यहाँ पर समझ में आ गई। अब ये देखो, रीपेमेंट शेड्यूल्स आर फिक्स्ड बाय द कॉरपोरेशन, समझ में आ गई, मतलब ये जो DFC है ये रीपेमेंट शेड्यूल फिक्स करेगा जो भी आप इनसे लोन लेंगे। ठीक है, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एस्टिमेटेड कैश जनरेशन, इसको छोड़, ये सब जो है इसको हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, ये सब जो दिया हुआ है। अब देखो, डेब्ट सर्विंग कैपेसिटी ऑफ यूनिट नॉर्मली वेरी फ्रॉम 4 से 10, 4 to 10 ईयर। अब इसमें क्या बोल रहा है, जो ये जो रीपेमेंट शेड्यूल है, ये आप किस टाइप का लोन लोगे, उसकी कैपेसिटी यानी प्रॉफिट कब से जनरेट होगा, उसके अकॉर्डिंग ये आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी सेट करेगा 4 साल से लेकर 10 साल तक। इसका मतलब ये हुआ, आप लोन 4 साल से 10 साल तक के लिए लेंगे तो उस पर आपको 4 महीने से लेकर 24 महीने का मॉरिटोरियम मिलेगा। अब यहाँ आगे देखिए, अब मॉरिटोरियम ये दिख रहा है आपको, मॉरिटोरियम लिखा है ना, अब मॉरिटोरियम और ब्रैकेट में देखिए, फॉर रीपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल, यानी जो प्रिंसिपल है उसको पे करने के लिए मॉरिटोरियम, रेंजिंग फ्रॉम 4 to 24 मंथ, समझ में आ गई बात आपको, 4 से 24 महीने। यानी अब मॉरिटोरियम रेंजिंग फ्रॉम 4 to 24 मंथ, 4 से 24 मंथ इज अलाउड फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स, यानी जब से आप इसको डॉक्यूमेंट देंगे, सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट जो भी ये मांगेगा, तब से लेके यानी आपको जिस डेट्स को देंगे तब से लेके आपको 24 महीने, यानी 4 से लेकर 24 महीने का आपको मॉरिटोरियम मिल सकता है आपको। ड्यूरिंग दिस पीरियड सिर्फ और सिर्फ आपको 3 महीने में इंटरेस्ट ही पे करना है, समझ में आ गई। कितनी बड़ी दिल्ली सरकार की बहुत पुरानी स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन है, कंपनीज हैं। ठीक है ना, तो ये देख लिया आपको। अब सिर्फ मॉरिटोरियम जो आपका जितने टाइम तक देगा ये, तब से 4 से लेकर 24 महीने तक, उस पीरियड में आपको केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ क्या देना है,
केवल इंटरेस्ट देना है, ठीक है। अंडर SRTO द लोन इज रिपेबल ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, समझ में आ गई। जो लोन जो है वो 5 साल के पीरियड में पेबल होगा, तो ये अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी राहत है, बहुत बड़ी स्कीम है। दोस्तों ये अपने आप में क्या है, बहुत बड़ी स्कीम है और बहुत ही बड़ा एक तरह से समझो जो कोई भी गवर्नमेंट कोई भी सरकार आपको, ये सरकारी कंपनी है, सरकारी NBFC है, ठीक है ना। ये NBFC भी नहीं कह सकते इसको, क्योंकि ये सरकारी कंपनी ही है, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन है, ये दिल्ली सरकार के अंडर काम करती है, लेकिन हाँ ये सरकारी कंपनी है ये, ठीक है। तो वही चीज़ हो गया आपको यहाँ पर, जो यहाँ से दिख रहा है आपको 4 से 24 महीने का मॉरेटोरियम। मैंने इसीलिए अब ये सोचो हमको, मैंने कितना आप सभी को जानकारी देने के लिए ये सारी चीज़ इकट्ठा, कितना जानकारी हमने कैसे कैसे करके इकट्ठा किया है, ठीक है। तो काफ़ी रिसर्च लगती है दोस्तों एक एक वीडियो को बनाने में, और आप लोग बिना सोचे समझे वीडियो को देख लेते हो और लेकिन लाइक भी नहीं करते, फिर शेयर भी नहीं करते। तो कम से कम शेयर कर दिया करो दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए इतना जानकारी इकट्ठा करके लेके आते हैं, बहुत सारी जानकारी आपको सीखने के लिए मिलती है, तो ठीक है। तो बेसिकली हमने बता दिया आपको जो थंबनेल में देखा आपने, अब समझ में आ रही, हम जो थंबनेल में लिखते हैं वही चीज़ आपको बताते हैं, हम इधर उधर का चीज़ बताएंगे नहीं, इधर उधर का थंबनेल लें। तो 4 से 24 महीने का आपने प्रूफ देख लिया, 4 से 24 महीने का यहाँ पर देखो मॉरेटोरियम आपको मिलेगा रेंजिंग फ्रॉम 4 to 24 मंथ, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा था सरकारी वाला भी क्लियर हो गया ना, दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में ये आता है, तो ये सरकारी कंपनी होगी, सरकारी स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन हो गया, ठीक है। तीसरा आता EMI मॉरेटोरियम भी, वर्ड भी हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया, मॉरेटोरियम आपको 4 से 24 महीने तक का दिल्ली फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो है सरकारी कंपनी ये आपको दे रही है। इसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद आता है DFC का मतलब हो गया दिल्ली फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, और यहाँ पे दिल्ली स्टेट SFC का हो गया मतलब क्या, दिल्ली SFC स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ठीक है। यानी जो हमने थंबनेल में लिखा है वही चीज़ एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ भी कर दिया हमने आपको, ठीक है। अब जरा अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गई ना, जो 4 से 24 महीने का मॉरेटोरियम दिल्ली सरकार की जो कंपनी है, सरकारी कंपनी दिल्ली फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ठीक है, ये आपको इनसे जो भी लोन लेते हो उस पर 4 से 24 महीने तक का मॉरेटोरियम आपको मिलता है, और मॉरेटोरियम पीरियड में सिर्फ और सिर्फ आपको केवल जो इंटरेस्ट बनता है वही पे करना होता है, और आपका प्रिंसिपल इसमें पे नहीं करना है, आपको बाद में पे करना है जब से आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। उनके बाद देखिए जरा हम इसका दिल्ली फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के बारे में तो हम बता ही देते हैं आपको, ठीक है। ये सरकारी कंपनी है, दिख रहा है दिल्ली फाइनेंशियल कॉरपोरेशन 1967 में बनी थी, और ये यहाँ पर देखिए स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक्ट है 1951, इसके तहत बना था, और ये जो कहाँ कहाँ पे काम करती है, ये कंपनी काम करेगी आपको दिल्ली में और NCT ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, और UT ऑफ चंडीगढ़, चंडीगढ़ भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो चंडीगढ़ में भी काम करेगा ये, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे ये देखिए इसका कौन कौन से सेक्टर से आप लोन ले सकते हो, MSME है, ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, नर्सिंग होम है, क्लिनिकल है, डायग्नोस्टिक, ये सब के लिए आप लोन ले सकते हो, ठीक है इनसे। अब बात करते हैं हम दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई भी इंडिविजुअल जो आप, यदि आप दिल्ली और चंडीगढ़ में रहते हैं, ज्यूरिडिक्शन दिल्ली और चंडीगढ़ में है, तो यानी दिल्ली और चंडीगढ़ में रहते हैं, तो आपका वहाँ का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, यानी इंडिविजुअल वहाँ का नागरिक होना चाहिए। फिर आपका पार्टनरशिप फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए, तो आपको मिलेगा। नए यूनिट शिफ्टिंग एक्सपेंशन, ये सारी चीज़ों के लिए ये लोन देती हैं, ठीक है। MSME सेक्टर के लिए, इंडस्ट्रियल मार्केटिंग सर्विस ट्रांसपोर्ट, ये सारा कुछ के लिए ये लोन देती है। समझ में आ गई बात, हमने आपको कितनी सारी जानकारी दिया, ये जानकारी तो आपको होगा ही नहीं, किसी ने बताया भी नहीं होगा दोस्तों आपको, ठीक है। अब देखते हैं इनका दिल्ली फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का क्या है, हु इज़ द चेयरमैन एंड CEO ऑफ DFC। ये सरकारी पोर्टल है, ये delhi.gov.in, ठीक है ना, ये हमने बता रहे हैं। यहाँ पे देखो श्री जलज श्रीवास्तव IAS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है, और यही जो है क्या है इनके डायरेक्टर हैं। अब समझ में आ गई बात आपको, यही इनका क्या है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर CEO है इनका, ठीक है। तो DFC कब बनी थी, व्हेन वाज DFC एस्टेब्लिश, DFC वाज एस्टेब्लिश इन 1967 बाय द अंडर द स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक्ट 1951। समझ में आ गई, हमने आपको एक एक चीज़ क्लियर करके बता दिया ना। अब इनको जो हम बता रहे हैं, अब आप इनको गूगल पे कैसे सर्च करेंगे, सबसे बड़ा प्रूफ, इनको सर्च करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए दिल्ली फाइनेंस कॉरपोरेशन आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा ना, ये देखो हम डालते हैं दिल्ली फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ठीक है, दिल्ली फाइनेंशियल कॉरपोरेशन,
ठीक है, ये देखो ये सबसे ऊपर में आ रहा है, डेली डेली वेब डॉट डेली डॉट जी ओ वी डॉट इन, डेली फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, दिल्ली गवर्नमेंट पोर्टल। अब इसी को जब आप ओपन करेंगे ना, तो ओपन जब करोगे तो आपको ये वाला चीज़ दिख जाएगा। ये तो यानी हमने आपको जो वीडियो में हम दिखाते हैं वही प्रूफ, जो थंबनेल में लिखते हैं वही प्रूफ हम वीडियो में दिखाते हैं और उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। कोई भी आपको इधर उधर की जानकारी हमारे चैनल में मिलती ही नहीं है और बिना प्रूफ का हम कोई बताएंगे नहीं। इसीलिए दोस्तों आप लोग डिसलाइक करने से पहले सोच लो, जो आप किसी के जो आपको सही जानकारी बता रहा है, सही चीज़ पढ़ा रहा है, सही चीज़ जानकारी दे रहा है, उस चीज़ को जब आप डिसलाइक करेंगे तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो आप कोई भी चीज़ करने से पहले ज़रा सोचो और आप अपने आप को आप हमारे जगह पर रख के देखो, जो हम आपको बता रहे हैं और जो इतना आपके लिए रिसर्च करके लाते हैं और जानकारी देते हैं। आपको कोई भी ये जानकारी बताया ही नहीं होगा, पूरे YouTube पे है ही नहीं ये, हमने ये भी रिसर्च किया है। ठीक है दोस्तों, तो अब इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना और वीडियो को सभी फ्रेंड्स लोगों को शेयर कर लेना। यदि आप दिल्ली से हो, दिल्ली में रहते हो या नहीं भी रहते हो, कोई भी रिलेटिव आपका रहता है तो वहाँ पर से यदि आपको किसी तरह का लोन चाहिए तो आप दिल्ली सरकार की जो ये वाली है DFC दिल्ली फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये आपको 4 महीने से लेकर 24 महीने तक का मॉरेटोरियम भी देगा। ठीक है, यदि आप कोई बहुत बड़ी आपको दिल्ली सरकार से राहत मिल सकती है। ये सारा चीज़ आपको समझ में आ रहा है, इधर से 4 से 24 महीने का बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत ही अच्छी स्कीम है सरकार का, जो SFC स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी DFC दिल्ली फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के अंडर सरकार दे रही है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों, हमने प्रूफ के साथ सारा चीज़ बता दिया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना यार।